सिद्धू के लिए अगर पूछा जाए उनकी पसंद कौन है, तो सिद्धू की पसंद न कैप्टन साहब है, न चन्नी साहब है, कोई और नहीं, सिद्धू की पसंद स्वयं सिद्धू है। वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। एकदम आपने उसमें बवाल मचा दिया, जैसे आप बोल रही थी ना धमाल होगा कमाल होगा, ना धमाल होगा ना कमाल होगा बल्कि बवाल होगा, इतनी तो गारंटी है। एके मिश्रा जी को लीजिएगा। मिश्रा जी, अभी आपने सुना जो ब्रिजमोहन जी ने कहा सारा, कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं उनके सामने, और उसके साथ जो अंदरूनी कला है वो भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। क्योंकि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह नवजोत सिंह सिद्धू की पसंद नहीं थे, उनका 36 का आंकड़ा था, तो चन्नी भी उनकी कोई पसंद नहीं है यहाँ पर भी। अब आंकड़े तो बाद में बनेंगे जब वो बतौर मुख्यमंत्री काम करना शुरू करेंगे, लेकिन पसंद उनकी नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि अंदरूनी कलह से निपटने के साथ साथ बाहरी चुनौतियों से निपट कर क्या कांग्रेस इतनी आगे जा पाएगी कि वो फिर से पंजाब को जीत सके? देखिए, पता नहीं क्यों कांग्रेस हर दिन अपने ताबूत में एक एक एक्स्ट्रा कील ठोकती जा रही है। ये रिफॉर्म नहीं है, ये डिफॉर्म है। हमारे पहले जो हमारे मित्र बैठे थे, उन्होंने बोला भाजपा ने बदला, ये बदला। देखिए, भाजपा ने बदला, कहीं चूचा हुई, किसी को कुछ पता चला, पार्टी में कोई फूट पड़ी नहीं, इसीलिए मैं इसको रिफॉर्म नहीं बोल रहा हूँ, मैं डिफॉर्म बोल रहा हूँ। ठीक है, भाजपा का वहां पे कोई वजूद नहीं है, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। चुनौतियां और चैलेंज इन्होंने और बढ़ा लिए हैं। इंटर लेवल पे मतलब बाहरी और भीतरी दोनों इन्होंने इंटर और इंट्रा लेवल पे बढ़ा लिए हैं। अब थोड़ा पीछे चलिए, कैप्टन साहब के नेतृत्व में जब चुनाव लड़ा जा रहा था तो कैप्टन साहब ने साफ मना कर दिया था कि राहुल गांधी पंजाब के चुनाव में दखल नहीं देंगे, ना रैली करेंगे ना कुछ करेंगे। राहुल गांधी पहुंच गए यहाँ पे चन्नी जी के जो है शपथ ग्रहण समारोह में। मुझे पहला लक्षण ये मिलता है कि कहीं ना कहीं ये वो खीज थी कि राहुल गांधी को उन्होंने क्यों नहीं पंजाब में इंटर होने दिया, तो वो ये इस चीज को दिखाना चाहते थे। एक मोटिव ये भी हो सकता है कि इसलिए उन्होंने चेंज किया। अब हुआ क्या, देखिए रिफॉर्म वही रिफॉर्म होता है जिसमें कहीं पे कोई डिस्टरबेंस ना हो, ऐसा ना हो कि पूरी स्टेट और नेशनल लेवल की पार्टी को एकदम आपने उसमें बवाल मचा दिया, जैसे आप बोल रही थी ना धमाल होगा कमाल होगा, ना धमाल होगा ना कमाल होगा बल्कि बवाल होगा, इतनी तो गारंटी है। कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। इनके इस अपॉइंटमेंट से अगर वो ये बोलते हैं कि 1/3 जो दलितों का वोट है वो अट्रैक्ट होंगे, तो 6 महीने में पॉलिटिक्स में कोई आदमी बहुत नहीं कर सकता है। अगर ये होता तो 80% पिछड़ों का वोट है, मायावती जी को प्रधानमंत्री होना चाहिए। इतने तेजी से वो साध नहीं पाएंगे अपने लक्ष्यों को। पार्टी में अंदर से चैलेंज है। सिद्धू के लिए अगर पूछा जाए उनकी पसंद कौन है, तो सिद्धू की पसंद ना कैप्टन साहब है, ना चन्नी साहब है, कोई और नहीं, सिद्धू की पसंद स्वयं सिद्धू है। वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। सिद्धू के लिए अगर पूछा जाए उनकी पसंद कौन है, तो सिद्धू की पसंद ना कैप्टन साहब है, ना चन्नी साहब है, कोई और नहीं, सिद्धू की पसंद स्वयं सिद्धू है। वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। उसके बाद आप और देखिए, हरीश रावत जी को प्रभारी बनाया गया, इतने कद्दावर बुजुर्ग नेता की बात को काट देना। पार्टी में और बहुत सारे लोगों के मुख्तलिफ और जुदा जुदा बयान आ गए हैं कि जी ये प्रदेश को संभालेंगे सिद्धू जी, वो दोनों साथ रहे, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आने शुरू हो गए। एक छोटे से स्टेट का मैनेजमेंट इनको करना था, चेंज करना था, और उसके लिए पूरे ऑल ओवर इंडिया में कांग्रेस के आला कमान से लेके नीचे तक बवाल शुरू हो गया, डिस्प्यूट शुरू हो गए। मुझे ये वर्चस्व की लड़ाई दिखती है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह हाई कमान का बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं होने दे रहे थे, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि किन परिस्थितियों में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी स्ट्रेटजी बना के अपने बूते से कांग्रेस को रिवाइव किया था। उसका रिवार्ड देने की जगह आपने डिजास्टर कर दिया। एक और कॉम्पिटिटर इन्होंने पैदा कर लिया। आप देखिए, ऑप्शन दो है, या तो कैप्टन अमरिंदर सिंह एकदम न्यूट्रल हो जाएंगे, कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं, या निगेटिव हो जाएंगे, उनके भी स्टेटमेंट आए हैं, या अपनी पार्टी खुद बना लेंगे, या बीजेपी या किसी और में शामिल हो जाएंगे। वो कोई भी एक्शन लेते हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह अभी भी कद्दावर नेता है, इतने वोट बैंक को वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं बनेगी, ये डिसाइड वो कर सकते हैं किसी भी रोल में वो आकर के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर्दे के सामने। नहीं, कटवाने वाली बात नहीं, सरकार किसकी बनेगी, वो जो एक्ट करेंगे पर्दे के पीछे पर्दे के आगे रह के, कोई थर्ड मोर्चा बना करके कुछ भी करके, वो किसकी सरकार बनेगी इसको वो डिसाइड करेंगे। तो बैलेंस में एक नया बात और आ गया है, बहुत जिसको बोलते हैं ना कि अपने दुश्मन पैदा करना। सिद्धू जी अलग से उनकी दुश्मनी है, आपने ऐसा एक्ट कर दिया, हरीश रावत जी कभी बिलीव करेंगे आला कमान पे,
और दो तीन लोग हैं, अजय माकन जी का भी स्टेटमेंट झूठा हो गया, पार्टी के अंदर आला कमान के अंदर जो सेंट्रल में बड़े लीडर है उनके भी, इन्होंने बवाल क्रिएट कर लिया है जानबूझ के सिर्फ इसलिए कि राहुल जी पंजाब में जा पाए। 6 महीने में क्या कर लेंगे चन्नी जी, कौन सा रिफॉर्म कर लेंगे, वो तो 6 महीने में दौरा भी नहीं पूरा कर पाएंगे। ए के मिश्रा जी आपको लेना चाहूंगी, उनसे संपर्क टूट गया है। राहुल गांधी को जो ये बेइज्जती थी वो 4.5 साल तक याद नहीं आई, अब जब 6 महीने बचे हैं तब उनको याद आया कि अब उनको पंजाब में जाना चाहिए और जो उनकी बेइज्जती का बदला है वो लेना चाहिए, या फिर वो ये सोच रहे हैं कि कहीं इस बार भी तो कैप्टन उनको घुसने ना दे पंजाब में, तो पहले ही सारा जमीन तैयार कर लिया जाए, क्योंकि वो गांधी है और गांधी को आप कहीं ना आने दे ऐसे कैसे हो सकता है। नहीं देखिए, ऑपरेशन सक्सेसफुल पेशेंट डेड, ये ऐसे सर्जरी इन्होंने की है, ऑपरेशन सक्सेसफुल पेशेंट डेड है ये कि जब जीते थे कैप्टन साहब तो उनको राहुल गांधी जी को वेट करना पड़ा ये फेवरेबल माहौल को डेवलप करने के लिए। सिद्धू जी आए, सिद्धू जी ने चैलेंज किया कैप्टन अमरिंदर सिंह को, एकदम तूफान मचा दिया पार्टी के अंदर, फेवरेबल सिचुएशन आया, राहुल गांधी के फेवर की सिचुएशन बनी, उन्होंने अपना जो है जो भी उनको एक्ट करना था वो उन्होंने डिसीजन लेके कर दिया, पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर सिद्धू कैप्टन साहब जैसे कद्दावर नेता को कांग्रेस में चैलेंज कर सकते हैं तो चन्नी साहब को तो अभी जुम्मा 4 दिन हुए हैं, मुख्यमंत्री अभी कमान भी नहीं संभाली है, उनको तो बनने भी नहीं देंगे वो ठीक से मुख्यमंत्री जैसे उनकी, नहीं वो 6 महीने चलने भी नहीं देंगे, वो चुनाव प्रचार पे और पार्टी को मजबूत करने पे वो ध्यान ही। देखिए एक चीज मैं बता दूं, नवजोत सिंह सिद्धू को आप देखिए चाहे वो टीवी शो में रहे कहीं पे भी रहे, ये उनकी फितरत है, वो देत ताली करते रहेंगे, वो शांत नहीं बैठेंगे, किसी के भी नेतृत्व को वो मंजूर नहीं कर सकते हैं, वो इतने बड़े खुद मुख्तार हैं, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट है कि कोई प्राइम मिनिस्टर हो मुख्यमंत्री हो किसी के अंडर में वो काम नहीं करेंगे, हमेशा उन्होंने लीक से हटके लीड रोल में ही काम किया है, वो करते रहेंगे। छन्नी साहब को सबसे पहले यही कन्विंस करना है कि सिद्धू भाई आप हमारे लीडरशिप को पहले एक्सेप्ट करिए। राहुल गांधी जी का बहुत बड़ा यहाँ पे रोल नहीं रहेगा, इतने कम समय में वो विजिट करके या ना तो सेंट्रल कमांड ना स्टेट का कमांड, इतने सारे अपोजिशन वाले उन्होंने पैदा कर लिए हैं, कैप्टन साहब हो गए, अंदर ही अंदर और भी लोग विरोध कर रहे हैं, कोई भी ये चमत्कार नहीं कर पाएंगे, मैं इसको डिजास्टर मानता हूँ। ये ICU पे डाल दिया गया है, कांग्रेस के जितने भी लीडर थे सबने मिलके दिल्ली से लेके पंजाब तक सिचुएशन ऐसी हुई कि पंजाब कांग्रेस चली गई है ICU में। इसका बेहतरीन फायदा जिसको मिलेगा वो मुझे लगता है कि अकाली दल, देखिए दलित समाज के सीट को सीट से तो वो भी दलित नेता उनके पास भी है, वो भी उठा सकते हैं, किसी ने अभी शायद बीजेपी ने डिक्लेयर भी कर दिया डिप्टी सीएम जो है दलित समाज का होगा, तो वो ऑप्शन उनके पास है। 6 महीने में चन्नी जी दलित समाज के लिए या पूरे पंजाब के लिए क्या कर लेंगे, एक सड़क भी तो नहीं बनवा पाएंगे, सड़क बनवाने में भी 6 महीने से ज्यादा का टाइम लगता, कोई प्रोजेक्ट नहीं कर पाएंगे, कोई भाषण नहीं कर पाएंगे, कोई रैली नहीं कर पाएंगे, इतना टग ऑफ वार वहां पे शुरू हो गया है, मल्टी डायमेंशनल जो है तनातनी हो गई है कि अब उसको मैनेज करना अपने आप में एक नया चैलेंज इनके लिए, सेंट्रल कमांड और स्टेट पंजाब स्टेट कांग्रेस के लिए एक नया चैलेंज आ गया है। देखना यह है कि इस चैलेंज को ये कैसे मैनेज करते हैं, फिर बाहरी जो चुनौतियां होंगी जो चैलेंज होंगे उसको कैसे करते हैं, उसका नंबर तो बाद में आएगा। सिचुएशन कुछ भी रही हो, किसने कुछ भी किया, अगर कैप्टन साहब ने जीत दिलाई है अपने दम पे उसको रिकॉर्ड करना चाहिए उन्हीं के नेतृत्व में, या देखिए चुनाव के बहुत पहले हलचल नहीं करना चाहिए, चीजें सेट होनी चाहिए, बहुत बड़े बदलाव नहीं करना चाहिए, ना तो कांग्रेस में एक ऐसा कोई सेकेंड विंग है कि जो कि केवल संस्था के लिए काम करती हो, पार्टी के लिए काम करती हो, जिसका चुनाव में कोई मतलब ना हो, ये बीजेपी के पास है। चुनाव लड़ने वाली टीम जो होती है जिनको टिकट दिया जाता है वो अलग होते हैं, पार्टी के लिए काम करने वाले लोग अलग होते हैं, ये बाइफर्केशन या मैन पावर डिवीजन अभी कांग्रेस में नहीं है, सेवा दल वगैरह था वो सब खत्म हो गया है, कहीं उसका अस्तित्व तो नहीं है। तो मैं तो ये बोलता हूँ इट वॉज नॉट ए रिफॉर्म, इट वॉज ए डिफॉर्म, और पंजाब से भी पंजाब कांग्रेस के लोगों ने ही पंजाब कांग्रेस को राजनीति से बाहर करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। ठीक है, देखिए जी जी शर्मा जी जो बोल रहे हैं विद्वान आदमी है, मैं एक सजेशन देना चाहूंगा इसी लॉजिक पे, लॉजिक वर्सेस लॉजिक पे, अगर कांग्रेस आला कमान ये डिक्लेयर कर दे कि प्रधानमंत्री भी दलित होगा, राहुल गांधी नहीं होंगे, तो पूरे देश में कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, अगर ये फार्मूला पंजाब में ही होता है। श्रीमान जी, श्रीमान जी, राहुल गांधी कभी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते,
आप इस बात को समझिए, मैं आपको बता रहा हूँ, दो और दो चार होते हैं, तो उसी फार्मूले पे ये बेकार का लॉजिक जो है ना सर, सुन लीजिए, दो और दो चार होते हैं, तो उसी फार्मूले पे चार और चार आठ भी होते हैं, आठ और आठ सोलह होते हैं, बेस प्रिंसिपल सेम है। मेरे कहने का मतलब केवल इतना कह देने से कि दलित सीएम हमने बना दिया है, हो सकता है टर्न अप हो जाए, लेकिन मुझे इसकी संभावनाएं बहुत छीण लगती है। रियल जब इलेक्शन होता है तो 10-15 दिन में न जाने कितने वोटरों का, कितने बार जो है उनका दिमाग चेंज होता है, उनका डिसीजन चेंज होता है, उस वक्त परिस्थितियां क्या होती हैं। मैं तो ये बोल रहा हूँ, आप इस एंगल से सोचिए ना, हो सकता है पंजाब कांग्रेस में, सेंट्रल इनके हाई कमान में और स्टेट कांग्रेस में इतना बड़ा कुछ गड़बड़ घोटाला शुरू हो जाए, लोग एक दूसरे से खफा हो जाए कि यूनाइट ही ना हो पाए इलेक्शन के टाइम पे। आप इस संभावना पे भी विचार करिए, पार्टियां, दूसरी पार्टियां बैकफुट पे हैं, लेकिन उनके ऑप्शंस हैं। मैं ये मानता हूं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी कभी डिक्लेयर करेगी कि दलित है, या राहुल गांधी कभी डिक्लेयर करेंगे कि दलित प्राइम मिनिस्टर बनेगा या दूसरे स्टेट में। ये इनके लिए बवाल इसलिए भी है कि अगर पंजाब में ये जीत जाते हैं तो वही परंपरा चल जाएगी, हर स्टेट में आप दलित डिक्लेयर करिए, तो यूपी के चुनाव में क्या होगा। दलितों में आज भी मायावती सबसे बड़ा चेहरा और नेता मानी जाती है। अगर ये होता तो मायावती जी जा करके अगर चुनाव प्रचार कर देंगी पंजाब में, अपनी पार्टी को अकेले खड़ा कर देंगी, तो इस प्रिंसिपल के बेस पे बीएसपी की सरकार वहां बन जानी चाहिए। बन जाती है, पहले भी बन जाती, चुनाव लड़ चुकी है पहले भी हरियाणा और पंजाब में बन गई। मेरा सवाल यही था, कांशी राम की, कांशी राम का बहुजन बीएसपी का उदय ही वहीं से हुआ। कांशी राम ने बहुत मेहनत की पंजाब में दलित वोट बैंक को, मैं ये भी मान सकता हूँ परिस्थितियां कुछ और रहती, लेकिन पंजाब से वो सक्सेस नहीं हो पाए, तब मायावती जी ने यूपी का रुख किया, यूपी में उनको सक्सेस हुआ। दलित कार्ड जितना जबरदस्त तरीके से यूपी वगैरह कुछ और यूपी और बिहार वगैरह में सक्सेस होता है, उतना इम्पैक्ट कहीं और अभी तक हमने चुनाव में नहीं देखा है। महाराष्ट्र में आप देखिए, वहां पे जो है बाबा साहब जहां पैदा हुए, वहां पे आप देखिए दलित कार्ड कितना प्ले करता है, प्ले करता है, लेकिन वहां से देखेंगे तो इतना बड़ा नहीं करता है कि पूरा चुनाव स्टेट का चुनाव भी, वहां भी, हाँ, वहां भी की क्या दलित के चेहरे पे जीता जा सके जी। हाँ, तो एक इम्पोर्टेंट वोट बैंक है दलितों का पूरे देश में, स्टेट और नेशनल इलेक्शन में, लेकिन जब इलेक्शन होता है तो वोट बैंक का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो पाई चार्ट बनाएंगे तो केवल दलित फैक्टर ही नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं, डेवलपमेंट, भ्रष्टाचार, इमोशनल अटैचमेंट सबसे ज्यादा होता है। मैं आपको बताता हूँ, सबसे ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट होता है वोटरों का, वो उस पे देखना है कि उस वक्त क्या मुद्दे, राइवल पार्टी, दूसरी पार्टियां, कांग्रेस क्या करती है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने वो इंटरनल है। मैं ये देखना चाहूंगा कि इंटरनल चुनौती से ये कितने जल्दी से जल्दी और प्रभावी तरीके से उसका निष्पादन करते हैं, ये चैलेंज है। ठीक है, मेरे पास एक एक मिश्रा जी आपसे भी यही सवाल है, क्या सिंपैथी वोट जो है वो अमरिंदर सिंह की तरफ जा सकते हैं? देखिए, मैं सिंपैथी एक फैक्टर जरूर रहेगा, लेकिन वो बहुत छोटा रहेगा, आप लास्ट मोमेंट पे क्या होता है, लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा, सिंपैथी नहीं, पॉलिटिकल डिविडेंड। कैप्टन साहब ने जो पूरी जिंदगी पंजाब में दी है, अगर वो कुछ भी ना करे, केवल वर्बल किसी का सपोर्ट या विरोध कर दे, तो पॉलिटिकल वोट बैंक का डिविडेंट उनको जरूर मिलेगा, जो उन्होंने 20, 25, 30 साल जितना भी उन्होंने पंजाब में काम किया है, तो वो बैठ के बड़े आराम से डिविडेंट या पेंशन, पॉलिटिकल पेंशन ले करके भी वहां पे समीकरण को बदल सकते हैं, हल्के में नहीं लेना चाहिए।